अभी बात कह रहे थे लोग कह रहे थे कि अभय सिंह जी ने इलाके के विकास के कोई मुद्दे नहीं उठाए, तो चीज़ याद कर रहा था उन्होंने मुद्दे तो पता नहीं उठाए कि नहीं उठाए, लेकिन कुछ और चीज़ जरूर उठाई थी विधानसभा में। एक मैंने अभी देखा एक होर्डिंग लगा हुआ था अभय सिंह जी का, उस पर लिखा हुआ था मैं व्यापारी की किसान की मजदूर की आवाज़ बनूंगा। उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो ये कह के दिया था कि मेरी आवाज़ सुनी नहीं जाए, ध्यान है ना आपको जी, और तब भी वो अकेले थे और अभी भी तो आवाज़ ही बनता है, तो आप बाहर अच्छी आवाज़ क्यों। चुनाव बहुत रोचक जी, और सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त की तरफ जी, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोग गोविंद कांडा को यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे, थोड़ा ऊपर करो यार, विकास पर है जी, और जिस प्रकार का नैरेटिव ऊपर कर लो जी के माध्यम से लोग समझ गए हैं कि वो नैरेटिव सत्य नहीं है, जिसके बाद सब लोगों तक आम जनता तक पहुँच गई है, और उस नाते से जो लोग देख रहे हैं कि खरीद अच्छी हो रही है, भाव कपास का अच्छा मिल रहा है, जो यहाँ की समस्याएं हैं उनके लिए भी लोग चाहते हैं कि जो सेन की समस्या इलाके के 14 गांव में है वो उस प्रकार से दूर हो और खेत फिर से बुआई के काम आ जाए, तो लोगों की आकांक्षा व्यक्तिगत राजनीति की बजाय विकास की राजनीति की ज़्यादा है जी। आप कह रहे हैं कि अभय चौटाला ने ये कहा कि वो अस्थि विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि जिसमें ये कहा गया हो कि उनका जो बरगला रहे हैं दूसरे पार्टी के पत्र है जी, अखबार में छपा है, आपने भी छापा है जी, है ना, उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी थी कि मैं विधानसभा नहीं आऊँगा, फिर वो पहली बार एक ऐसा इस्तीफा मंजूर हुआ जो इस्तीफा ऐसे मंजूर नहीं होता जो सहसर्त इस्तीफा है जी, उनके इस्तीफे की कॉपी देखिए, उससे पहले उनकी चिट्ठी देखी जी, उनकी कैटलिस्ट पॉइंट होता है ना जी, कैटलिक काम कोई करने लगता है, कोई अपना पैर भी कार खड़ा हो जाए, इस हल्के से विधायक होता है वो रोज वहाँ मंत्रियों के पास सरकार के पास अफसरों के पास, तो गति बढ़ जाती है जी, तो निश्चित रूप से जिस इलाके का कोई ऐसा प्रतिनिधि होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इलाहाबाद को एक प्रतिनिधि भाजपा का मिले जो लगातार इनके कामों की पैरवी करे जी। बाकी क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के, जीत को लेकर कितने की आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी? देखिए बहुत अच्छी तरह से जिस तरह से लोगों का समर्थन जी, भाई भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी जी, अभी बात कह रहे थे लोग कह रहे थे कि अभय सिंह जी ने इलाके के विकास के कोई मुद्दे नहीं उठाए, तो चीज़ याद कर रहा था उन्होंने मुद्दे तो पता नहीं उठाए कि नहीं उठाए, लेकिन कुछ और चीज़ जरूर उठाई थी विधानसभा में, किसी की कोई जरूरत नहीं, तो आराम से मेरे साथ बात कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, चुनाव आयोग इस समय व्यवस्थाएं देखता है उनकी अपनी। 8 जनसभाएं हैं धनखड़ साहब, धुआंधार प्रचार है, क्या कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से सब जगह जाना वो हमारा काम है, पोलिटिकल पार्टी है अपनी अपनी बात कहती है, दूसरी पार्टी ड्यूटी लगाती है, आज मेरी ड्यूटी है 8 गाँव में जनसभाएं करने की, ग्रामीण सभाएं करने की, तो मैं आज चुनाव कैसे लगा हुआ हूँ, आने वाले समय में बाकी के पार्टी के नेता भी अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं, और अपनी बात लेकर ही जनतंत्र अपने मुद्दे जो है लोगों के सामने रखे हैं, जो विकास किया है, जो आगे विकास की लोगों की अपेक्षाएं हैं उनके पूरा करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। जो खास बात यह है सब जगह जाते हैं तो लगे मांग पत्र देने का लोगों की विकास की आकांक्षा, भाई कैमरा ऊपर कर लो, जो दूसरी पार्टी आएंगी भाई कैमरा ऊपर कर लो, क्योंकि उनको मालूम है कि वो विकास नहीं करा सकते। फिर एक मैंने अभी देखा एक होर्डिंग लगा हुआ था अभय सिंह जी का, उस पर लिखा हुआ था मैं व्यापारी की किसान की मजदूर की आवाज़ बनूंगा। उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो ये कह के दिया था कि मेरी आवाज़ सुनी नहीं जाए, ध्यान है ना आपको जी, और तब भी वो अकेले थे और अभी भी तो आवाज़ ही बनता है, तो आप बाहर अच्छी आवाज़ बनते हैं।